जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों इस वीडियो हम द्वितीयक मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इंटरनल मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसमें हमने रैम रोम रैम कितने प्रकार की होती है, उसके बाद हमने एस रैम डी रैम रोम में फिर हमने कितने प्रकार के रोम होती है, पी रोम ई पी रोम ई पी रोम, सभी के बारे में डिटेल में जाना है। अब इस वीडियो में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर आप अलग से एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आएंगे, इसमें डिटेल में हम लगभग 100-150 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपका मेमोरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसे ही हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, इसे ही हम द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं, इसे ही हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, ठीक? इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है, ठीक है? ये सीपीयू के बाहर होती है। अब सीपीयू का मतलब ये हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया पूरा मदरबोर्ड, ठीक? अब ये जो मेमोरी लगी हुई है ये एक्सटर्नल मेमोरी है, ये हमारा सीपीयू है, ठीक? तो ये बाहर लगी हुई है। अभी इसे हम आपको निकाल के दिखाएंगे, अभी इसमें अटैच है, ठीक है? अभी जब इसका नंबर आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। इसकी कीमत तुलनात्मक रूप से बहुत कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस मेमोरी में डेटा को स्टोर करने व एक्सेस करने में अधिक समय लगता है, इसलिए इसमें ऐसी सूचनाएं रखी जाती है जिन्हें हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो और इसे बाद में उसे हमें देखना हो, ठीक है? ये मेमोरी कुछ चुंबकीय उपकरणों के रूप में होती है, इस तरह से मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया और सॉलिड डिस्क, ठीक? जिसमें मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन से आते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी डिस्क या मेमोरी स्टिक बोलते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है, ब्लू रे डिस्क हो गया, अभी इसको देखेंगे। फिर यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव में पेन ड्राइव हो गया, जैसे कि ये हो गई पेन ड्राइव, ठीक है? फ्लैश ड्राइव को ही पेन ड्राइव बोलते हैं, ठीक? और एसएसडी, ये जो हार्ड डिस्क लगी हुई है इसको एसएसडी बोलते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए पहले क्या होता था, जो कंप्यूटर आते थे उसमें हार्ड डिस्क लगी होती थी एचडीडी, अब उसकी जगह पे आ गई है एसएसडी। इसका पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंट की है, 128 जीबी की है ये, इसको एसएसडी बोलते हैं, ठीक? और एक ये है एचडीडी हार्ड डिस्क है, इसे हम बाहर से लगाते हैं, ठीक है? और हम आपको दिखा देते हैं कुछ हार्ड डिस्क इस तरह से होती है। एक हार्ड डिस्क ये है, पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसमें इस तरह की हार्ड डिस्क लग के आती थी, ठीक है? इसी में कुछ एक पतली होती है जो लैपटॉप में लगती है, जैसे कि ये भी तो फिलहाल मोटी ही है, इसी टाइप में छोटे साइज में रहती है, वो हमारे लैपटॉप में लग जाती है, ये सभी बाहर लगती है, ठीक? इसके अलावा एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का प्रयोग करते हैं और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेजी से करने की सुविधा प्रदान करती है। तो सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो यही होती है। सामान्यतः प्रोसेसर को रैम से कोई डेटा पढ़ने में 180 नैनोसेकंड का समय लगता है, लेकिन जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी से बार बार आवश्यक डेटा केवल 45 नैनोसेकंड में ही हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक? अब कुछ और मेमोरी है वो भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही होगी आपको, जो लोग पहले से सुने हुए हैं। अब यह है फ्लॉपी डिस्क, ठीक? फ्लॉपी डिस्क ये देखिए इस कुछ इस तरह से होती है, देख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक माइलर यानी प्लास्टिक की बनी होती है, वृत्ताकार डिस्क होती है इसके अंदर, इसमें दोनों
और एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। यह प्लास्टिक के चौकोर कवर में सुरक्षित रहते हैं। इसके भीतर फ्लॉपी की सप्लाई करने वाली मुलायम लाइनें होती हैं। ये रिमूवेबल डाटा ट्रैवल और रीराइटेबल डिस्क है, यानी इसे निकाला भी जा सकता है और इस पर दोबारा से डाटा को हम डाल भी सकते हैं। आकार में आती है, देख सकते हैं 3.5 इंच, 2.5 इंच और 8 इंच। और देखते हैं अब फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसका जमाना धीरे धीरे आउट होने लगा है। ठीक है, उसके बाद यह है हमारी हार्ड डिस्क, देख सकते हैं यह है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वीडियो ऑडियो और चित्रों आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है, कई टीबी तक हो सकती है क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हेड लगा होता है, ठीक है, ये स्पिंडल है जो कसा रहता है इसको, ये डिस्क लगी हुई, इसमें कई सारे डिस्क लगी रहती है हार्ड डिस्क के अंदर, और इसमें कई सारे हेड भी लगे होते हैं जो कि इसको पढ़ते हैं। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखिए हेड है इसमें, प्लेटर के प्रत्येक साइड हेड लगे होते हैं। प्लेटर क्या है इसमें, यही जो प्लेट लगी हुई है इसको प्लेटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये ट्रैक्स से हार्ड डिस्क पर संग्रहित सभी जानकारियां ट्रैक में दर्ज की जाती है। जो भी जानकारियां हम दर्ज करेंगे वो ट्रैक में दर्ज होगी। यह एक बड़ा सेक्शन है जो प्लेटर के चारों ओर होता है। फिर सेक्टर क्या होता है, सेक्टर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रैक को कई सेक्शनों में बांटा जाता है जिन्हें सेक्टर कहते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोला जाता है। यानी जब हम हार्ड डिस्क को अगर फॉर्मेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसको हम ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित कर रहे हैं। तो जब ट्रैक और सेक्टर का ऑप्शन आएगा कहीं पर इसकी बात की जाएगी तो समझ लीजिए हार्ड डिस्क की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें जो डाटा है वो ट्रैक और सेक्टर में बटा होता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। इसके फिर देखिए एक मेमोरी स्टिक है, कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है। मेमोरी स्टिक एक प्रकार का मेमोरी कार्ड होता है। इसकी क्षमता 4 MB से 256 MB तक होती है और आजकल तो बहुत सारे ज़्यादा साइज में MB भी इसमें जो है मेमोरी कार्ड भी आ गए हैं, 64 GB, 128 GB, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है ऑप्टिकल डिस्क, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब दोस्तों बात करें ऑप्टिकल डिस्क की, तो ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार की डिस्क है जिसे लेजर बीम द्वारा लिखा और पढ़ा जाता जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क के लिए किसी मूव एक्सेस आर्म और रीड राइट हेड की जरूरत नहीं पड़ती है। लेजर बीम इलेक्ट्रॉनिकली मूव हो सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉनिकली इधर से उधर घूम सकते हैं, इसमें किसी भी हमको हेड की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। फिर है ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार, विच टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको हम लोग सीडी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। इन पर डेटा लिखने पढ़ने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा प्रायः एक बार ही लिखा जाता है और फिर से कितनी बार भी पढ़ा जा सकता है, ठीक। फिर ये 3 भागों में बांटी जाती है। पहली है, ज्यादा नीचे आ गया, CDR, ठीक। CDR ये है रिकॉर्डेबल, इसका पूरा नाम है, R का मतलब यहाँ पे है रिकॉर्डेबल, यानी यहाँ पे सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार के CD का उपयोग ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा को आसानी से पढ़ा हुआ लिखा जा सकता है। इसमें डेटा को केवल एक बार लिख सकते हैं और इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB
होती है। ये जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ ऑडियो को ही रखें, वीडियो भी रख सकते हैं, लेकिन यही स्टोरेज क्षमता इसकी ज़्यादा नहीं है, तो इसमें थोड़े बहुत वीडियो रख सकते हैं और कुछ फाइल भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका आजकल इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, थोड़ा बहुत ऑडियो रखने के लिए और थोड़ा बहुत अगर डाटा रखना है तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीडी रोम, इसका पूरा फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क रोम का, तो रीड ओनली मेमोरी हमने बताया ही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत किसी भी डेटा को सिर्फ देख या पढ़ सकते हैं, आप अपने अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रकार सीडी का उपयोग कहीं भी आसानी से किया जा सकता है। इसका उपयोग सामान्यतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक डाटा, एजुकेशन रिलेटेड डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कोई भी लेक्चर अगर आपको रिकॉर्ड करनी है या फिर किसी भी तरह की आपको सॉफ्टवेयर को उसमें रखना है, म्यूजिक रखना है, तो हम सीडी रोम का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा जब एंटीवायरस लाते हैं, खरीदते हैं मार्केट से, तो एंटीवायरस की हमको सीडी मिलती है, ठीक। इसके अलावा अगर कोई गेम खरीदते हैं तो मिलती है, मैं ऑफिस अगर खरीदेंगे तो भी आपको मिलेगी सीडी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं रोम के बाद नंबर है RW, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, इसका तो मतलब सीडी ही हुआ कंपैक्ट डिस्क, RW का मतलब यहाँ पे है रीराइटेबल। जब भी अगर आपको मार्केट में सीडी खरीदने जाना हो तो आप देख लेना, यहाँ पे लिखा रहता है RW, ठीक। इसमें देखिए नॉर्मल ये सीडी है 700 MB की, इसमें R लिखा हुआ है, ठीक। एक बार ये रिकॉर्ड होगी, बस ये है RW, इसमें हम कई बार डेटा को डाल सकते हैं। ये एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे बार बार बिटाया और लिखा जा सकता है। इस प्रकार के डिस्क को रीड करने के लिए सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, सीडी है तो सीडी प्लेयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीडी को प्रत्येक सिस्टम रीड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो RW है, इसे हम पेन ड्राइव की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डाटा डाल के इसे पेन ड्राइव की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है DVD। DVD का पूरा नाम पूछा जाता है, CD का तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता ही है, DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक। ज़्यादातर केस में डिजिटल वर्सेटाइल होता है, कभी कभी डिजिटल वीडियो भी दिखने को मिल जाता है, तो दोनों होता है। लेकिन अगर मान लो अगर वर्सेटाइल वहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन में, तो आप पहला प्राथमिकता वर्सेटाइल को देंगे, दूसरी प्राथमिकता आप वीडियो के देंगे, ठीक है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, आजकल CD का एक अनपरिष्कृत रूप भी मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिसको DVD बोलते हैं। CD में क्या होता था, डाटा हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते थे, लेकिन DVD में हम डाटा ज़्यादा स्टोर कर पा रहे हैं। इसकी भंडारण क्षमता 4.7 GB की होती है। इस पर डेटा लिखने और पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार के ड्राइव का यूज होता है, जिसे DVD प्लेयर बोला जाता है, DVD ड्राइव कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DVD मल्टी रिकॉर्डर, ये है CD रीड करने के लिए। इसमें हम CD लगाते हैं, अभी पावर से लगा नहीं, तो इसमें हम आपको निकाल के दिखा देते, ठीक। तो ये हो गया हमारा DVD। ये डेटा को संक्षिप्त रूप से संग्रहित करने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रयोग करता है। ये भी CD की तरह 3 प्रकार का होता है, जैसा कि हमने बता दिया, एक है DVD-R, दूसरा है DVD रोम और तीसरा है DVD-RW। तीनों उसी प्रकार के हैं, एक भी पढ़ सकते हैं, ठीक। यह है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और दूसरा है रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी पढ़ सकते हैं, इसमें एक बार हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें इसको डाटा केवल पढ़ सकते हैं, और इसमें हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं और दोबारा से डेटा हम डाल भी सकते हैं। तो इसमें हम एक बार डाल सकते हैं, ठीक। इसमें हम पहले से ही पड़ा डाटा रहता है, रीड ओनली मेमोरी है, ये वाले में कई बार डाल सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है USB, पेन ड्राइव या थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। ये है पेन ड्राइव, आपने देखा होगा इस तरह की कई सारे मार्केट में रहती है। हमने लोहा लाड इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम इसको पर्स में रखते थे अभी तक, जिससे कि टूटने का कोई डर ना रहे। तो हमारे पास जितने भी पेन ड्राइव है सारी पूरी यहाँ पे मेटालिक ही है, यहाँ पे आप प्लास्टिक की देख पा रहे हैं,
ये ड्राइव डेटा स्टोरेज डिवाइस से बना होता है, जो आमतौर पर हटाने योग्य का मतलब है रिमूवेबल। इसे हम प्रिंटर कंप्यूटर में लगाते हैं और इसे हटा भी सकते हैं। जैसे कि मान लो इसमें हमको लगाना है, तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे इस तरह से, ठीक लग गई, तो इसे हम हटा भी सकते हैं, इसे पीछे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं, तो हम जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं, ठीक। ये रिमूवेबल डिवाइस है। इसकी स्टोरेज क्षमता 1 GB से लेकर के 256 GB तक होती है। इसमें डेटा को बहुत आसानी से रीड राइट किया जा सकता है, आसानी से बहुत तेजी से इसे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और ये सभी सिस्टम में आसानी से लग जाती है। इसके अलावा एक है मैग्नेटिक टेप, इस आपने देखा ही होगा, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ये भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, जिसका उपयोग पुराने समय में कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। अब इसका यूज नहीं किया, तो फिलहाल ये गाना सुनने वाली इसके लिए बाजा में जो ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता था, ये वो वाली है, टेप रिकॉर्डर में, सॉरी ट्रांजिस्टर में नहीं, टेप रिकॉर्डर एक पहले आता था, टेप रिकॉर्डर में इसका यूज किया जाता था। आज के समय में मैग्नेटिक टेप का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी रीड और राइट करने की जो गति है वो बहुत ही स्लो है। इसमें क्या होता था, अगर हमको मान लो एक गाना, हमने जैसे मान लो 1 2 3 4 5 गाना है, अगर हमें तीसरा गाना चलाना है तो हम डायरेक्ट इस पे मूव नहीं कर सकते। अगर हम मान लो आगे हैं, तो पहले पहला पहले को हम भगा के ले जाएंगे, दूसरे को भगाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। अगर पांचवे पे है तो क्या करेंगे, फिर पांचवे से फिर तीसरे आने के लिए तो हम कैसेट को उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करके पीछे आए या फिर घुमा के लगाए। डायरेक्ट आपको यहाँ पे जाने की अनुमति इसमें नहीं थी। पेनड्राइव में आजकल क्या है, डायरेक्ट आपने नंबर प्रेस किया, डायरेक्ट उस नंबर पर पहुंच गए, या फिर डायरेक्ट क्लिक कर दिया, आपने उसको बढ़ा भी दिया, जिस गाने पर ले जाना है आप टच करके ही बढ़ा सकते हैं या फिर माउस से बढ़ा सकते हैं, जैसे भी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि रील को हम ऐसे भगा ही नहीं सकते हैं, रील को भगाने के लिए हम इसमें हमको उतना समय लगाना पड़ता था। ये रील जब तक चल के यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी घूम के, तब तक ये आगे नहीं जा पाता था डाटा, ठीक। तो आई होप यहाँ पे हमने मेमोरी से संबंधित सारी चीज़ें कर ली हैं। अब यहाँ पे नंबर आता है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मेमोरी हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। हमने आपको SSD दिखा ही दिया है, पेन ड्राइव दिखा दिया, हार्ड डिस्क दिखा दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ छूटता है तो आप बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या कमी रह जाती है हमारे पढ़ाने के दौरान वो आप बता सकते हैं हमको। कोशिश करते हैं आपको हम यहाँ पे कोई भी चीज़ छूटे ना। और ई बुक हमने जो है लगभग लगभग रेडी हो चुकी है, बहुत जल्द ही आपको ई बुक हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी, कंप्लीट ई बुक रहेगी, ठीक। यहाँ पे पेन क्यों नहीं चल रही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं चल रही तो ई बुक जल्द ही आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सूचित कर देंगे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।